आज मैंने ज्वाइन किया। हाँ न्यू अकाउंट है, टेंशन मत ले, तुझे ऐड नहीं कर रहा। हाँ इसका गलत फायदा मत उठाना ना, ठीक है कर ले। अरे आज मैं फेसबुक पे पहली बार आया। अरे तेरे इतने सारे लड़कियों के साथ तेरे चक्कर है, इतने सारे फ्रेंड, इसलिए तू रात जगता होगा ना। आज से तेरे रात जगने बंद, आज से तेरे पास मैं सोऊंगा, इसलिए सुबह पूरे दिन तू सोता रहता है, नींद भरी आंखें रहती थी। हाँ है ना, रुक बेटा रुक, आज से मैं भी फेसबुक पे हूँ, तुझे हर जगह से फॉलो करूंगा, रुक। क्या चल दिए, घूमने जा रहे? एक मिनट इधर। ये ले 2000 का नोट, एंजॉय कर। और हाँ मम्मी को बताना मत, ठीक है? जा जा बेटा, ये जिंदगी है, जी ले, जा बाय। कहाँ जा रहा है, कब तक लौटेगा? अच्छा पैसे कितने लिए मम्मी से? 2000। सारी इस औरत की गलती है, तेरे मम्मी ने तुझे बिगाड़ रखा है। सुन रहे बेटा, तुम जब बाहर गए थे ना, तुम्हारा फोन आया था किसी बेबी नाम से, तो मैंने उठाया नहीं। ये कोई लड़की है ना, बेटा सब समझता हूँ, कोई नहीं जाओ। फोन क्यों लिया तूने? अरे ये बेबी से भी कौन है, वीडियो कॉल? ये लड़कीबाजी छोड़ दे, ठीक है ना? इस लड़कीबाजी में कुछ नहीं रखा, ये गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड छोड़ दे। हाँ मैं कह रहा हूँ, और अगली बार ऐसे कॉल आए ना, फोन तोड़ दूंगा। बेटा उठ गया इतने जल्दी? कोई ना बेटा, जूस पी ले। लो नवाबजादे अब उठ रहे हैं, टाइम देखा है घड़ी में, 10:10। क्या बताऊं इस लौंडे को, अब नाश करके रखा है। और राम प्याई की वो जो भैंसी है ना, वो भी सुबह 6 बजे दूध देती है। मोहल्ले घूम के आ, सब कितने बजे उठते हैं पूछ के आ तू। हाँ कुछ भी बोलो, नीचे देखते रहेगा। अच्छा है, बाप के मुंह नहीं लगता। बेटा सुन 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 सुन, तुमसे कुछ बात कहने है। देखो तुम्हारी उम्र तो हम पार कर चुके हैं, तो कुछ बताना हमारा फर्ज बनता है। देखो कुछ दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ बुरे, वो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा जो कह रहा हूँ, ये शायद ऊपर से भी जा सकता है, मगर इसे याद रखना, इंसान दोस्त चुनता है अपनी मर्जी से, वहाँ ना घर वालों के हाथ थी ना अड़ोसी पड़ोसी का। तो एक काम करो, तुम जो भी दोस्त चुनो ना, अच्छे दोस्त चुनो। इसमें दोस्ती में अच्छे बुरा होता नहीं है, मगर कुछ देख के चुनना, मतलब उनसे मिलना, कि कल के कोई कुछ हो जाए, केस हो जाए, और वो सारे भाग जाए तुम्हें छोड़ के, ऐसे वाले दोस्त नहीं। जो करना साथ में करना, और कोई बुरा काम मत करना। सो दोस्त अच्छे वाले ही रखना। और हाँ
एक बात तो बोलने भूल ही गया, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अच्छा नहीं है। अगर मान लो कोई लड़के को पटाना है तुम्हें, हाँ हाँ मैं पापा हूँ मुझे पता है। अरे मम्मी का, मम्मी से पहले नहीं ये बात कर लेते हैं, मम्मी को पता लगेगा मम्मी पीटेंगी। अच्छा सुनो, कोई लड़के को अगर पटाना हो ना तो कोई दोस्त को इंसल्ट मत करना, कभी भी किसी दोस्त का दिल दुखा के उस लड़की का दिल मत जीतना। लड़की आज है कल नहीं रहेगी, मगर जो सच्चा दोस्त होता है वो लड़की अगर कल ब्रेकअप हो जाए तुमसे, वही दोस्त आगे तुम्हारे आंसू पोंछेगा। सो दोस्ती में ये मत करना, याद रहेगा ना? अच्छा बेटा इतना कहना था, जाओ जाओ। नो अब ज़्यादा सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ तुम सुनो, हाँ तुम, तुमसे कुछ बात करना है, दो मिनट टाइम है तुम्हारे पास? हाँ अब तो होगा ही, चलो दो मिनट लूँगा तेरे जो मूल्यवान समय है ना उसका। बेटा सुनो, दोस्त जिसे मिलता है, जिनसे तू घूमता है, जिनके साथ जहाँ रहता है बाहर पूरे दिन रात, वो अच्छे हैं खराब है ये नहीं कह रहा, मगर दोस्ती उनसे ही करना जिनके तुम काम आओ, वो तुम्हारे काम आए और खुश रहो, जो वादा करे और वादा निभाए, और तुम भी उनके वादा निभाओ, तभी दोस्ती में यारी बनी रहती है। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं सुनना चाहिए मुझे, और दोस्त के साथ हमेशा अच्छे बिहेव करना, क्योंकि दोस्ती हमें आगे बढ़ने देते हैं। जो सच्चा दोस्त होगा वही हमेशा तुम्हारे साथ होगा। याद रखना बेटा कि हमेशा सच्चा दोस्त के साथ ही रहना, तो जिंदगी में बहुत ऊंचे तक जाओगे। अब्दुल कलाम ने भी कह रखा है कि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी होती है और एक बुक 100 दोस्तों के समान होता है। सो एक अच्छा दोस्त बनाओ जो तुम्हें लाइब्रेरी दे। ठीक है बेटा अब जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। अब आप बताइए आपके पापा कौन से थे, रॉनी के पापा जैसे या क्रिश के पापा जैसे? कमेंट बिलो। जय हिंद।